वेलकम टू दी चैनल क्विक प्रैक क्लासेस। माय नेम इज शाहरुख सैफी। बच्चों आज हम एक और नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आफ्टर ट्वेल्थ ग्रेजुएशन आपके लिए कौन सी बेस्ट रहने वाली है, एनसीवेप वर्सेस एसएल के बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले बच्चों मैंने आपको इग्नू वर्सेस एसएल के बारे में कंप्लीट 28 मिनट्स की वीडियो प्रोवाइड कराई थी। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख लेना। उस वीडियो में और इस वीडियो में काफी ज्यादा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो पहले वाली वीडियो थी वो दो यूनिवर्सिटी के बारे में थी। इग्नू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एज वेल एज डीयू भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसमें एसओएल का मैंने बात करी थी और इस वाली में मैं एनसीवेप वर्सेस एसओएल की बात कर रहा हूं। अब देखिए बच्चों, उसमें जो चीज थी वो दो यूनिवर्सिटी थी, इस वाली में एक ही यूनिवर्सिटी है, उसी के दो पार्ट है। जैसे कि यूनिवर्सिटी और दिल्ली के अंदर ही ये दोनों चीजें आती है, एनसीवेप और एसओएल। बेसिकली अगर हम बात करें, अगर यहां पर मैं डीयू लिख देता हूं, एक मिनट, जैसे अगर मैं यहाँ पे डीयू लिख देता हूँ तो डीयू जो है बच्चों तीन पार्ट में बच्चों को अपना ग्रेजुएशन प्रोवाइड कराता है। एक है रेगुलर वाले स्टूडेंट्स का और दूसरा है डिस्टेंस वाले और तीसरा है गर्ल्स के लिए डिस्टेंस मोड। लेकिन ये दोनों मिक्सचर है। जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी जो सीयूटी एग्जाम की जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे उनका एग्जाम चल रहा है, ऑलमोस्ट हो भी चुके हैं, थोड़े बहुत रह गए फेज के। तो इन बच्चों का क्या होगा जब इनका रिजल्ट आएगा, तो सीयूटी मोड में जो भी इनकी मेरिट बनेगी, स्कोर कार्ड बनेगा, तो वो दिल्ली के 70 से ज्यादा रेगुलर कॉलेज है उसमें एडमिशन ले सकते हैं, किसी में भी, अगर उनकी मेरिट जो मैच कर जाएगी तो। क्लियर है? तो डीयू के अंदर नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, मेन दो कैंपस चलते हैं। नॉर्थ काफी फेमस है, ईस्ट और साउथ है तो नहीं लेकिन लिखा फिर भी आता है, ठीक है। चलिए ये तो चीज होगी आपका रेगुलर वाली। ऑन द अदर साइड जब हम बात करते हैं कि भैया जो बच्चे रेगुलर से नहीं करना चाहते उनका क्या, तो उनके लिए आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी ख्याल रखता है कि आपको एसओएल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग और साथ ही साथ एनसीवेप जो कि स्पेशली फॉर वुमेन्स के लिए बनाया गया। एनसीवेप की फुल फॉर्म है नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। तो जो भी बच्चे आफ्टर ट्वेल्थ, स्पेशली मैं गर्ल्स की ज्यादा यहाँ पे बात करना चाहूंगा क्योंकि ये वीडियो डेडिकेटेड उन्हीं के लिए है, और स्पेशली दिल्ली की जो गर्ल्स है जिन्होंने अपनी ट्वेल्थ क्लास दिल्ली के कोई भी स्कूल से पास आउट करी है, तो उनके लिए तो ये वीडियो मैंडेटरी हो जाती है, ठीक है। तो फिर चलिए शुरू कर लेते हैं, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी कंपैरिजन में। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना जरूर शेयर कर देना, लेकिन पहले आप आराम से वीडियो देखिए। तो बेसिकली क्या है बच्चों, मैंने आपको रेगुलर का तो बता दिया। अब ओपन से दो ऑप्शन मिलते हैं आपके पास, एनसीवेप का और एसओएल का। जो गर्ल्स हैं वो जरा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो उन्हीं के लिए। अब एनसीवेप मैंने आपको बता दिया और एसओएल मैंने आपको दोनों बता दिया। कंपेयर करने पे आपको क्या क्या पता चलेगा, कंपेयर करने पे सबसे पहले आपको पता चलेगा कि एनसीवेप जो है ना वो भी बच्चों डिस्टेंस मोड से ही कराया जाता है, और एसओएल यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग भी आपका डिस्टेंस मोड से करवाया जाता है। तो अगर देखा जाए तो दोनों कॉमन है, ठीक है, लेकिन लिटिल बिट डिफरेंट यहाँ पे हमें देखने को मिलने वाला है। वो क्या है देखते हैं। ड्यूरेशन की बात करें, आपको ग्रेजुएशन करने में कम से कम 3 साल चाहिए चाहिए क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर 3 होते हैं, लेकिन आपको मैक्सिमम 5 साल दिए जाते हैं चांस के लिए एनसीवेप में, एज वेल एज एसओएल के अंदर भी बच्चों 3 साल कम से कम कि 3 साल की ग्रेजुएशन है, और 5 साल ज्यादा से ज्यादा। अगर नहीं कर पाते तो फिर आपको फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा दोबारा से, वैसे बच्चा आराम से कर ही लेता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी को लेकर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बड़ी ईजी है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट है। जैसे एलिजिबिलिटी के लिए एनसीवेप 12 पास आउट मांगता है और एसओएल भी 12 पास आउट मांगता है। एसओएल जो है कोई भी बच्चा, चाहे वो मेल है या फीमेल है, बॉय है या फिर गर्ल है, ऑल ओवर द इंडिया अगर उसने 12 पास आउट कर रखी है तो वो एसओएल में एडमिशन ले सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया लिख रखा है। ऑन द अदर साइड जब हम एनसीवेप की बात करते हैं ना, तो एनसीवेप में सिर्फ गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती है 12 पास आउट वाली, और वो गर्ल्स जो कि स्पेशली दिल्ली में रहती है, क्योंकि ये जो कॉलेज है एनसीवेप वाला ओनली फॉर गर्ल्स के लिए है, और वही गर्ल्स जो कि दिल्ली में रहती है जिन्होंने दिल्ली के ही स्कूल से अपनी 12वीं पास आउट करी है, तो इस बात का जरा ख्याल रखना। आउटसाइडर जो गर्ल्स है वो एनसीवेप में एडमिशन नहीं ले सकती है, ये बात थोड़ी आपको माननी पड़ेगी, क्लियर है। चलिए उसके बाद एडमिशन की अगर बात करें, तो एडमिशन इसका जुलाई और अगस्त के बेस्ड में होता है एनसीवेप का, और एसओएल का अगस्त और सितंबर के सेशन में, साल में एक ही बार एडमिशन होता है। एडमिशन में बड़ा सिंपल सा डिफरेंट है कि एसओएल में क्या होता है कि आपके कम से कम 50% तो होने चाहिए, ठीक है, और एनसीवेप में क्या होता है अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको मात्र 40% चाहिए अपने 12वीं पास में, लेकिन आपका एडमिशन ऐसे नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ बेस्ड रखा गया है। एनसीवेप में आपकी टोटल 5 कट ऑफ निकलती है, लेकिन कॉलेज की सीटें काफी इनफ है, अच्छी खासी है, और बच्चों के एडमिशन हो ही जाते हैं,
तो पांच कट ऑफ आती है, पांच पहली में नहीं तो दूसरी, दूसरी में तो तीसरी। तो जिन बच्चों के 90% 80% होते हैं वो एनसी वेब से करना चाहते तो उनका तो एडमिशन आराम से हो ही जाता है। इस साल की कट ऑफ देखते हैं वो कैसे आने वाली है, वो आपको पता चल जाएगा, टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट मिल जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, ठीक है। अब ये चीजें मैंने आपको बता दिए, और अगर आप वैसे भी कोई सेपरेट वीडियो में देखना चाहते हो तो एनसी वेब के बारे में ऑलरेडी मैंने अलग अलग वीडियो भी प्रोवाइड करा रखी है, और आई बटन में उसके सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये चीज आपको समझ जाएगी। चलिए उसके बाद कोर्स की बात करें। देखो एनसी वेब में ना काफी लिमिटेड कोर्स है, लिमिटेड इन द सेंस कि बच्चों यहाँ पर आपको सिर्फ बीए प्रोग्राम, अगर कोई ह्यूमैनिटीज वाला स्टूडेंट है तो वो सिर्फ बीए प्रोग्राम कर सकता है, अगर कोई कॉमर्स वाली स्टूडेंट है तो वो सिर्फ बीकॉम ही कर सकता है, बैचलर ऑफ कॉमर्स या फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स। अब फायदा ये हो जाता है बीए प्रोग्राम करने में कि इसमें आपको मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाते हैं, इसमें आपको मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ने को मिल जाते हैं, वो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, चाहे आप हिस्ट्री पॉलिटिकल पढ़ो, चाहे आप हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ो, अलग अलग बहुत सारे होते हैं, वो एलिजिबिलिटी के हिसाब से चलता है। जब कट ऑफ आती है तो स्टूडेंट्स को अपने आप पता चल जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम डीयू एसएल की बात करते हैं तो ये आपको टोटल 5 कोर्सेज प्रोवाइड कराता है, जिसमें से 2 आपके प्रोग्राम वाले होते हैं और 3 आपके ऑनर्स होते हैं। तो कहने का मतलब एनसी वेब में ऑनर्स नहीं होती है, एसएल में ऑनर्स होती है बट लिमिटेड होती है। जैसे 5 कौन कौन से कोर्सेज है, एक हो गया बीए प्रोग्राम बीकॉम, और साथ ही बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बीए इंग्लिश ऑनर्स और बीकॉम ऑनर्स। तो 2 जो है बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स, ये तो कॉमर्स वाले कर सकते हैं, और 3 जो है वो आर्ट्स वाले कर सकते हैं, चाहे वो बीए प्रोग्राम करे, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करे, और बीए इंग्लिश जो है वो कॉमर्स और साथ ही आपके आर्ट्स वाले, दोनों बच्चों के लिए कॉमन है, ठीक है। तो इस बात का जरा ध्यान रखना। तो ये चीजें होगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है बच्चों अटेंडेंस को लेकर। अगर कोई गर्ल्स एनसी वेब में एडमिशन लेगी तो उसे ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो अटेंडेंस है वो कंपलसरी होती है, यानी कि 66% आपकी अटेंडेंस कंपलसरी होना आवश्यक है। लेकिन एसएल में कंपलसरी नहीं है, अगर आप नहीं भी जाओगे तो कोई ऐसा फर्क आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन एनसी वेब में जरूर पड़ सकता है। क्योंकि एनसी वेब में एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो क्लासेस लगेगी ना वो सिर्फ सैटरडे या फिर संडे लगेगी, और यहां पर भी क्लासेस सैटरडे और संडे लगती है, ज्यादातर संडे लगती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि मैंडेटरी नहीं है ऐसा कि अगर बच्चा नहीं जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर यहाँ पे बच्चा नहीं जाएगा तो फर्क पड़ेगा। सैटरडे के अलग कॉलेजेस है और संडे के अलग कॉलेजेस है, तो वो आपको एनसी वेब की ऑफिशियल वेबसाइट पे सारे कॉलेज दिख जाएंगे कि कौन सा कॉलेज सैटरडे की लिस्ट में आता है और कौन सा कॉलेज संडे की लिस्ट में आता है। इसी वजह से यहाँ पे अटेंडेंस जो है गर्ल्स के लिए कंपलसरी रखी गई है, एटलीस्ट 66% तो उसके लिए होनी चाहिए। अगर वो ECA एक्टिविटी करती है तो उसको 5% का बोनस भी मिल जाएगा अटेंडेंस में, है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज होती है। चलिए ये चीजें होगी। उसके बाद है फीस को लेकर। फीस को लेकर सबसे पहला सवाल हर बच्चे के माइंड में आता है, तो अगर आप एनसी वेब से एडमिशन लेते हो तो आपको 3,365 जो कि लास्ट ईयर के हिसाब से बता रहा हूं, अगर आपकी बार चेंजेस हो जाए तो उसका कह नहीं सकते, तो आपको 3,365 पर ईयर के हिसाब से पे करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन इसका अलग होता है। और अगर आप बीकॉम करोगे तो आपको 100 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं थोड़े, मतलब 3,465 बीकॉम वालों के लिए, तो बीए वालों के लिए थोड़ा 100 रुपए कम है बस, और ज्यादा डिफरेंट नहीं है। ऑन दी अदर साइड एसएल से करोगे ड्यू तो यहाँ पे 4,040 ही देने पड़ेंगे, फिर चाहे आप बीकॉम वाले हो, चाहे आप बीए वाले हो या फिर ऑनर्स वाले हो, यहाँ पे कॉमन है और यहाँ पे 100 रुपए का डिफरेंट है आर्ट्स कॉमर्स के अंदर। चलो ये मैंने आपको बता दिया। स्टडी सेंटर जो है वो कॉमन है क्योंकि ये डीयू का पार्ट है और डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो इसके जो स्टडी सेंटर होते हैं वो दिल्ली में मिलते हैं। इसके टोटल 26 कॉलेजेस हैं, इनमें से आपका जिसमें भी नाम आएगा वहीं पर ही अपने क्लासेस लेने जाओगे, आप चाहे सैटरडे जाओ या संडे जाओ, ठीक है। और ऑन दी अदर साइड यहाँ पर अगर आपका जो भी क्लासेस होगा तो वो एक दिन लगती है, तो वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज होते हैं, जो रेगुलर कॉलेज होते हैं ना, क्योंकि वो संडे को ऑफ होते हैं, तो संडे को स्पेशली एसएल वालों की क्लास लगती है। लेकिन बच्चा जब जाता है एक दो बार उसे पता चलता है ज्यादा कुछ तो हो नहीं रहा, वो वापस आ जाता है। हालांकि जाना चाहिए, शुरुआत में देखना चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, है ना। एक चीज आती है एनसी वेब में, बच्चों को डीटीसी बस पास की जो फैसिलिटीज होती है ना वो प्रोवाइड करवाई जाती है, बट यहाँ पे नहीं करवाई जाती है एसएल में, क्योंकि बच्चे यहाँ पे अटेंडेंस कंपलसरी है। अब कोई गर्ल्स आ रही है तो इसलिए उसे 1 मंथ का पास दिया जाता है, बड़ा सस्ता सा होता है, आई थिंक 300-400 रुपए, अब थोड़ा रेट बढ़ चुका होगा तो कह नहीं सकते है, लेकिन बड़ा इजिली हो जाता है आराम से, ठीक है। लेकिन यहाँ एसएल में ऐसा कोई चीज नहीं है क्योंकि कॉलेज थोड़े दूर दूर होते हैं,
उसके बाद है मीडियम ऑफ कोर्स, दोनों मिलेगा एनसी वेब में और एसएल में भी दोनों, चाहे आप हिंदी मीडियम से करो या इंग्लिश मीडियम से करो, और आप चाहे ट्वेल्थ में इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आओ या फिर हिंदी मीडियम से, इन दोनों में आप कोई भी मीडियम में अपना कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। एकेडमी एग्जाम सेंटर, जो आपके एग्जाम होंगे वो कहाँ होंगे, वो दिल्ली में ही होंगे, आपको आउटसाइड जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर चाहे आप एसएल से करो या फिर एनसी वेब से करो, ये चीजें दोनों में कॉमन है, ज्यादातर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो रेगुलर कॉलेजेस होते हैं वहीं पे आपको पढ़ता है। स्टडी मटेरियल ऑनलाइन आपको वेबसाइट के थ्रू मिलता है और इसका भी वेबसाइट के थ्रू मिलता है, हालांकि इसका एक फोन मैसेज के थ्रू भी आपको बता दिया जाता है एसएल का, ठीक है। लेकिन आप ये चीज देखोगे दोनों का जो स्टडी मटेरियल है वो बिल्कुल सेम सेम है, जी हाँ बच्चों, मतलब ऑलमोस्ट ही सेम है, एक ही वेबसाइट है। अगर एसएल वाला बच्चा ऑनलाइन चेक करेगा उसे भी एक ही दिखेगा और इनको भी एक दिखेगा, ठीक है। उसके बाद है बच्चों आपका, जब आप अपना एडमिशन ले रहे होंगे तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको जरूरत पड़ेगी, 10वीं 12वीं पासपोर्ट साइज सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी एससी एसटी जो भी है, और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट लाइक आधार हो या पैन हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ये आपको चाहिए, और इसमें भी आपको ऑलमोस्ट यही सारी चीजें आपको चाहिए, ठीक है। लेकिन इसमें बस ये ध्यान रखना, बैंक पासबुक और कैंसिल चेक कोई एक हो तो ये भी अपलोड करना पड़ता है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं आईडी कार्ड कब जनरेट होता है, क्योंकि एनसी वेब में जो एडमिशन होता है वो आपका कट ऑफ बेस्ड होता है, तो जब आपका कट ऑफ में नाम आएगा तब आपको एडमिशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे आपके वगैरह वगैरह, उसके बाद ही आपको क्या मिलेगा, आईडी कार्ड जनरेट होगा आपका। लेकिन एसएल में क्या होता है, जैसे आप पेमेंट करते हो रजिस्ट्रेशन की, इंस्टेंट आपको आईडी कार्ड मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एंट्रेंस थोड़ी है या कोई कट ऑफ थोड़ी निकल ली। एग्जाम पैटर्न जो होता है वो दोनों का कॉमन है, यानी कि सेमेस्टर मोड में है। जैसे अगर आप फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर करोगे तो आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करोगे, सेकंड और थर्ड और फोर्थ करोगे तो सेकंड ईयर, फिफ्थ और सिक्स्थ करोगे तो आपका थर्ड ईयर होगा, बेसिकली वन थर्ड और फिफ्थ चलता है, तो इस बात का जरा ध्यान रखना दोनों में है। और इसके अंदर सी बी चॉइस बेस्ड, सी बी सी एस चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम बच्चों दोनों में इंप्लीमेंट किया गया है, तो इस बात का जरा ध्यान रखना। बस ये होता है कि आपको जैसे आप प्रोग्राम करते हो तो प्रोग्राम में आपने मेन दो कोर्स चूज करे, जैसे कि आपने एक हिस्ट्री एक पॉलिटिकल के लिए, उसके अलावा आपको चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी चूज करने पड़ेंगे, जैसे हिंदी आपका, जैसे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो गया, 1-2-3 हिंदी, 1-2-3 इंग्लिश, 1-2-3 आपका एनवायरमेंटल साइंस हो गया, या कोई और एडिशनल सब्जेक्ट हो गया, वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, बड़ा इजी सा होता है, ठीक है, दोनों में आप चूज करोगे। उसके अलावा एग्जाम मोड जो होगा दोनों का क्या होगा, ऑफलाइन ही होगा, वो तो कोरोना की वजह से ऑनलाइन हुए थे, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको ओवरऑल बेसिकली कंपैरिजन में देखने को मिलेगी। अब मेरा ओपिनियन क्या कहते हैं कि आपको कहाँ से करना चाहिए, देखिए भाई सिंपल सी बात है, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था ये ओनली फॉर जो दिल्ली की गर्ल्स है जिन्होंने ट्वेल्थ क्लास अपनी दिल्ली से पास आउट करी है, तो उनके लिए अगर वो अफोर्ड कर सकती है जाना वीकली वन डे तो डेफिनेटली उन्हें एनसी वेब से ही करना चाहिए, मैं साफ कहता हूँ, जी हाँ बच्चों, आपकी इससे स्टडी भी टच में रहेगी, स्टडी भी अच्छी होती है और गर्ल्स के लिए काफी बेस्ट माना जाता है, इसी वजह से स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए एनसी वेब निकाल है। आपको एसएल नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्टेड है कि मेरे को एक दिन भी नहीं जाना, तो फिर ये आपके लिए एसएल ही बेस्ट रहने वाला है, बस सिंपल सा है, इसमें ओपिनियन और कुछ है ही नहीं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एनसी वेब की और ज्यादा अपना को थोड़ा माने कि हाँ मेरे लिए यही बेस्ट है, अगर नहीं अच्छा लगता तो एसएल में जाइएगा, वरना तो एनसी वेब बहुत अच्छी चीज है और इसमें कट ऑफ आता है। और अच्छी बात है एसएल के एडमिशन अभी स्टार्ट हुए नहीं है, एनसी वेब के 25 अगस्त तक बच्चों एडमिशन चल रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में और साथ ही आई बटन में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एनसी वेब के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, आप वीडियो देखोगे आपको सारा समझ आ जाएगा, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो ये कंपैरिजन था, आप बताइए कि आपको इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा पसंद है और किस में आप एडमिशन लेना ज्यादा पसंद करेंगे। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, एटलीस्ट वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा।